नमस्ते, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी कटहर की सब्जी। इसके पहले की वीडियो में मैंने कटहर का प्याजा बना के बताया था। आज मैं बताऊंगी कटहर की सब्जी मटर और गाजर और आलू के साथ। ये मटर, गाजर और आलू के साथ भी इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और सीजन में मटर और गाजर का है, तो इस मटर और गाजर को किसी भी सब्जी में डाल के बनाएंगे तो सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा उभर के आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कटहर की सब्जी गाजर मटर और आलू के साथ। मैंने कढ़ाई को रख दिया गर्म होने के लिए, और कटहर की सब्जी सरसों के तेल में बनती है, तो सरसों का तेल हम डालेंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच। तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो हम तड़का डालेंगे। तड़का में मैंने यहाँ लिया है जीरा आधा चम्मच से थोड़ा सा, मेथी थोड़ा सा, तेज पत्ता और ये एक लवंग। अब इनको हम तड़के में डाल देंगे। अब ये इसमें मैं 2 बड़े कटा प्याज है इसे मैंने काट लिया है, इसे भी डाल दूंगी। प्याज को थोड़ा सा होने देंगे। जब तक हमारा प्याज हो रहा है हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाले में मैंने यहाँ लिया है प्याज, 1 बड़ा प्याज मैंने काट लिया है, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, लहसुन, लहसुन की मात्रा थोड़ा सा कटहर में ज़्यादा होता है, अदरक, ये 3 मिर्ची, आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये दालचीनी, 1 लवंग, कुछ काली मिरी। अब इनको हम पीस के एक मसाला का पेस्ट बना लेंगे। प्याज हो गया है, अब इसमें मैं हींग डाल दूंगी। ये 1 मैंने टमाटर काटा है इसे भी डाल दूंगी। टमाटर को हम कुछ सेकंड तक ढक के पका लेंगे। हम चेक कर लेंगे टमाटर भी हो गया है। ये जो हमने मसाला पीसा था इनको डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। तो मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे। मसाला को ढक के हम पका लेंगे। जब मसाला पक जाएगा तो हम सूखे मसाले डालेंगे। चेक कर लेंगे मसाला हमारा हो गया है। अब सूखे मसाले डाल लेंगे। हल्दी 1 चम्मच के करीब, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सब्जी मसाला 1 चम्मच। सब्जी मसाला का लिंक मैंने शेयर किया है। अब कुछ सेकंड में से पकाने के बाद सब्जियां डाल देंगे। और इसमें मैं सब्जी डाल दूंगी। डालेंगे इन सब्जियों को हम कुकर में पकाएंगे। बस 1-2 मिनट तक हम इसे कढ़ाई में अच्छे से, पहले मसाला जब तक कोट ना हो जाए सब्जियों में तब तक इसे चलाएंगे, फिर हम इसे कुकर में डाल के पका लेंगे। तो मसाला इसमें अच्छे से मिल गया है। अब इसमें मैं धनिया डाल दूंगी। हाँ
मसाला एकदम पक गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, करीब एक गिलास के करीब हम पानी डालेंगे। अब इसे मैं कुकर में पलट दूंगी, मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हमने नमक नहीं डाला था, नमक डाल दूंगी। और इसे हम लगभग 4 सीटी तलक पका लेंगे, फिर हमारे कटहर की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। और गैस के फ्लेम को हम तेजी रखेंगे। हमारा कटहर की सब्जी बनके तैयार हो गया है, टेस्टी और लाजवाब। आपको मेरी यदि कटहर की सब्जी बनाने का तरीका यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।